मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भोपाल, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विदिशा में बाढ़ के हालातों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री। और लगातार हो रही बारिश से विदिशा के कई गांव जलमग्न। बाढ़ से घिरे विदिशा के हवाई सर्वे से पहले सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश। चंबल, पार्वती, सिंध नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन को सतर्क रहने की हिदायत। एमपी में भारी बारिश की चेतावनी के बीच राजधानी समेत 11 जिलों में आज भी स्कूल बंद। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। भारी बारिश से एमपी में नदियों ने लिया रुद्र रूप। नर्मदा और बेतवा किनारे बसे जिलों में हाई अलर्ट। मूसलाधार बारिश के बीच विदिशा में एयरफोर्स ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। राजगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सहारनपुर में रेस्क्यू दल ने उफनते नाले को पार कर गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। रतलाम में बारिश के बाद शहर के कई रास्ते बंद। पुलिया पर तेज बहाव के चलते रोका गया ट्रैफिक। निचले इलाके से लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। सागर में पुल पार करते वक्त बरसाती नाले में फंसी दो बसें। एसडीआरएफ ने बस में सवार सभी 75 यात्रियों का किया रेस्क्यू। आगर मालवा में उफनते नाले के बीच एसडीआरएफ और पुलिस ने गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। सोयत में नाले पर पानी की वजह से नहीं निकाल पा रही थी कार। छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में टला बड़ा रेल हादसा। शिवनाथ एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतरे। किसी भी यात्री को नहीं पहुंचा नुकसान। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। 7 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मिल सकती है मंजूरी। 61 साल के हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आम जनता के लिए खुला होगा सीएम हाउस। इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर आए सीएम भूपेश बघेल। कहा 2023 में डंके की चोट पर फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। 27 अगस्त को रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्र सरकार की नीतियों पर भी करेंगे चर्चा। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगी कांग्रेस। रायपुर के मोवा में आज लगाई जाएगी महंगाई चौपाल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव डॉ चंदन यादव होंगे शामिल। रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आज। मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य विभाग के कामों की करेंगे समीक्षा। उज्जैन में बाबा महाकाल की निकली शाही सवारी। राजसी ठाट के साथ महाकाल ने किया नगर भ्रमण। बेटे के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद। बड़वानी में तेज रफ्तार पिकअप वाहन से गिरकर दो मजदूरों की मौत। एक की हालत गंभीर। बर्फरू फाटक से पिकअप में बैठकर गांव लौट रहे थे सभी मजदूर। सागर में एक कबूतर को बचाने के लिए 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 दिनों से पतंग के धागे में फंसा हुआ था कबूतर। कबूतर को बचाने के लिए पहुंची निगम की टीम। बीजापुर में सरकारी वाहन में सागौन की तस्करी करते पकड़ाए वेटनरी अधिकारी। निलंबित और जांच में तथ्य सही पाए जाने पर अपर सचिव ने लिया एक्शन। उज्जैन में बेखौफ बदमाशों ने कैफे में की तोड़फोड़। कैफे संचालक को बेरहमी से पीटा। गोवा में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसपैठ की साजिश। सेना ने की नाकाम। मार गिराए गए 2 घुसपैठिए। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा सस्ते पेमेंट ऑप्शन को मिलेगा बढ़ावा। नासा के सबसे बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब ने बृहस्पति ग्रह की खींची अद्भुत नई तस्वीरें। नई तस्वीरों में बृहस्पति के छल्ले, छोटे उपग्रहों और आकाश गंगा साफ नजर आए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन लेना हुआ महंगा। ब्याज दरों में किया गया 0.5% का इजाफा। सूखे और हीट वेव के चलते चीन का हुआ बुरा हाल। बिजली बचाने के लिए शंघाई के स्काईलाइन में 2 रातों तक लाइट नहीं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।